इंटीग्रेशन यही होता है। अब रहा सवाल कि सेफ्टी के क्या मेजर्स हैं, इस हेलीकॉप्टर में जितने सेफ्टी मेजर्स हैं उतने और कहीं पर शायद हम सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, यही हेलीकॉप्टर वीवीआईपी फ्लाइट्स के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और यही क्रू है जो वीवीआईपी फ्लाइट्स भी करते हैं। तो ना प्रोसीजरल कोई इसमें एरर आ सकता है, ना टेक्निकल, इसके पहले हमारे विशेषज्ञ ये कह चुके हैं। तो अब रहा सवाल, कोई रिएक्ट इमरजेंसी हुई है और उसके साथ कंबाइंड फैक्टर है बैड वेदर का, जिसके कारण ये सारी इतनी बड़ी एक ट्रेजडी हो गई है, जिसके बारे में हम सभी अभी आकलन कर रहे हैं कि हुआ क्या, क्यों हुआ। वो थोड़ी देर के बाद जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये प्रीलिम इंक्वायरी, तो जैसे ही चीफ ऑफ एयर स्टाफ पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीवीआर एफडीआर दोनों का डेटा निकाला जाएगा, तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ ही इसके बारे में एक करेक्ट स्टेटमेंट देंगे और तभी पता चलेगा कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। ग्रुप कैप्टन रंजन, कितना समय लगता है प्रिलिमिनरी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने में? जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है या जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, उससे इंफॉर्मेशन निकालने में कितना समय लगता है? ये 24 से 72 घंटे का समय लगता है। अब ऐसा है कि वो डेटा एक चीज का नहीं होता है, वो पूरी फ्लाइट ड्यूरेशन का, मान लीजिए कि 200 घंटे का है, वो 200 घंटे के डेटा में से कहाँ पे एबनॉर्मलिटी आई है वो ढूंढना पड़ता है। उसमें समय ज्यादा इसलिए नहीं है कि आपने उसको कंप्यूटर में कनेक्ट किया और वो एक सेकंड में आपको बता देगा कि अभी इस समय ये हुआ है, तो वो डेटा एक कंटिन्यूएशन में चलता है, जहां उसमें ब्रेक आता है आप उससे पता करते हैं कि क्या गड़बड़ हुई है। ग्रुप कैप्टन एमजी ऑगस्टीन, विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, हम इस पूरे हादसे की वजहों को नहीं ढूंढ रहे, बल्कि हम आकलन कर रहे हैं ताकि लोग बेहतर तरीके से समझ सकें। जब जानकारियां आधिकारिक रूप से साझा होती हैं लोगों के साथ, तभी उनके मन में जो संशय है, जो शक है, वो सारी चीज़ें एड्रेस हो सकती हैं। और जब इस हादसे को आपने देखा, ये तस्वीरें आपने देखी, आपके मन में एक एविएटर के तौर पर क्या चीज़ें उठी? देखिए, दो चार चीजें मैं समझाना चाहूंगा व्यूअर्स को भी। मैं खुद एक क्रैश में रह चुका हूँ, 21 क्रैश, वो भी मार्च 1, 1995। मैं टेक ऑफ कर रहा था जब मेरे जहाज में आग लग गया था। मैं क्रैश लैंड, ये जो चेहरा देख रहे हैं, स्किन सब नया है। तो आई हैव वॉक्ड आउट ऑफ अ क्रैश, एयर क्रैश, एंड आई एम अलाइव एंड दैट टू अ फाइटर क्रैश। एंड ये तो कुछ नसीबी सभी को नहीं होता है। और जनरल रावत का एक दूसरा क्रैश, जब पहला क्रैश हुआ था तो मैं ईस्ट में ही था, जब ये भी ईस्ट में तैनात थे, मैं जी ऑपरेशंस का इंचार्ज हुआ करता था उनके, और उस समय इनको कुछ नहीं हुआ, ये वॉकआउट कर गए मेरी तरह। बट तीन चीजें, महत्वपूर्ण चीजें मैं समझाना चाहूंगा। पहली बात, हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टर एक मशीन, एक प्रोपेलर के जो, या जो उसके जो रोटर के थ्रस्ट है, उसके जरिए वो एयरबोर्न रहता है। जब रोटर का थ्रस्ट खत्म हो जाता है तो वो बिल्कुल एक स्टोन की तरह गिरता है, उसको कहते हैं ऑटो रोटेशन। और वो जहां इंजन का थ्रस्ट खत्म हुआ, वहीं का वहीं उनको लैंड करना पड़ता है। कुछ भी कह लीजिए, हेलीकॉप्टर हो या कोई भी मशीन हो, वो तो फेल होना ही है, कभी ना कभी फेल होगा। वो ना होने की वजह से हम लोग मेंटेनेंस प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं और फेलियर रेट को कम करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एमटीबीएफ, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। हम कोशिश करते हैं कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर कम से कम हो या ना के बराबर हो, लेकिन ना के बराबर ना नहीं होता। क्लोज टू जीरो इज नॉट जीरो, दैट आवर व्यूअर्स नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये चीज जो है, V17 V5 के साथ भी हो सकता है, या कल आप एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट से जा रहे हैं, उस फ्लाइट में भी हो सकता है, क्योंकि द पॉसिबिलिटी ऑफ इट इज हैपनिंग इज स्टिल देयर। तो ये जब हेलीकॉप्टर ऑटो रोटेशन करके नीचे आएगा, और नीचे अगर जमीन में, आपने देखा भी होगा, कुछ चंद दिनों पहले आप ही ने ये न्यूज चलाया था, जहाँ पे हेलीकॉप्टर अपना जो नया हेलीकॉप्टर जो आया है वो क्रैश लैंड किया और टेक ऑफ करके चला गया, जी क्योंकि नीचे जो जमीन था वो सतह था।
लेकिन यहाँ जमीन जो है वो पहाड़ी है, तो ऑटो रोटेशन करके लैंड करने के लिए आपके पास जगह है।